शेर अफजल मरवत पीटीआई के बाद अब किस जमात में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी दावत शेर अफजल मरवत को मिल चुकी है। रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूखी का मामला पार्टी रहनुमाओं के मुतजाद बयानात के बाइस उलझ गया है। जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मनसूख होने के मामले पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और कायम मकाम सेक्रेटरी इतलात शुएब शाहीन की तरफ से मुतजाद बयानात सामने आए, जबकि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी के मुताबिक बुनियादी पार्टी रुकनियत मंसूख करने का फैसला संगीन खिलाफ वर्जियों पर किया गया। तहरीक इंसाफ के कायम मुकाम सेक्रेटरी इतलात शुएब शाहीन की तरफ से शेर अफजल मरवत की बुनियादी पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की तस्दीक करते हुए बयान में कहा गया है कि इन्हें बानी चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर निकाला गया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने शेर अफजल मरवत की हमायत में बयान जारी करते हुए कहा, ऐसे किसी भी फैसले का मुझे इल्म नहीं है, न ही इसकी मंजूरी दी गई है। बैरिस्टर गोहर का कहना था कि शेर अफजल मरवत साबिक वजीर आजम इमरान खान के वफादार तरीन साथियों में से एक हैं, जिनकी बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन अब तक मेरे इल्म में नहीं है। अभी से पहले दोस्तों शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के लिए पैगाम भी भेजा था कि इमरान खान मुझे चांस दें, मैं उनकी जो रिहाई की तहरीक है उसको जोरों शोर से चलाऊंगा और मुझे किसी एनओसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खबर सामने आ रही है कि सरबरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुल जमान ने पीटीआई के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। मखदूम जमीलुल जमान का कहना है कि शेर अफजल मरवत को पीपीपी में शामिल होने की दावत देते हैं। तर्जुमान मखदूम हाउस का कहना है कि मखदूम जमीलुल जमान जल्द इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत से मुलाकात करेंगे। मखदूम हाउस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अपनी क्यादत में पाकिस्तान को जदीद मुल्क बनाने के लिए पुरअज़म है। तो यहाँ पर अब पीपल्स पार्टी ने शेर अफजल मरवत को दावत दे दी है। अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत इस दावत का क्या जवाब देते हैं, जबकि शेर अफजल मरवत अपने बयान में कह चुके हैं कि वो पीटीआई के रहनुमा थे, हैं और रहेंगे। जब इमरान खान बाहर आएंगे तो उनसे मुलाकात की जाएगी और इमरान खान को अपना मौकिफ बताया जाएगा। जबकि कल इमरान खान ने जेल में सहाफियों से मुलाकातें भी की हैं और इस मुलाकात के हवाले से कहा गया कि जब इमरान खान से शेर अफजल मरवत से मुतलिक सवाल हुआ तो इमरान खान ने उसका जवाब तक नहीं दिया।